सिंथेसिस ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले ही बोला था पता होना चाहिए कि फर्स्ट इनिशियल प्रोडक्ट क्या है और लास्ट प्रोडक्ट क्या है। तो मिथाइल डोपेट का स्ट्रक्चर सबको पता है, डेट इज़ एक बेंजीन रिंग होती है, डेट इज़ कैटाकोल रिंग होती है, जिस कार्बन पर जुड़ा होगा उसी के पोजिशन में दो हमारे OH ग्रुप होंगे। जस्ट ए सेकेंड, सो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं मिथाइल डोपेट का। ये हमारा हो गया, तो हमारा कैटाकोल रिंग, ठीक है, ये जुड़ा होता है हमारा दो कार्बन से, हमने देखा था CH2 CH2। अब ये वाला जो सेकेंड वाला कार्बन है, ये जुड़ा होता है एक हमारा CH3 ग्रुप, एक हमारा बेसिक ग्रुप NH2 नॉट NO2, एंड एक हमारा SD ग्रुप डेट इज COOH। और ये हमारा होगा मिथाइल डोपा। और मिथाइल डोपा डोपेट कैसे बनता है, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड C2H5 HCl। ये हमारा फाइनल है जो हमें बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, COO C2H5, ये होगा हमारा एसिडिक ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप, और ये हमारा CH3 सिंपल ग्रुप, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे। तो ये होगा हमारा मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। अब ये कैसे बनाएंगे, उसके लिए बस हमें पता होना चाहिए इसका इनिशियल प्रोडक्ट कहाँ से है। एक तो हमें पता है ये एस्टर ग्रुप है, ठीक है, COO C2H5, तो ये हम C2H5 इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। देन COOH जो है वो CN से बना देंगे। तो सबसे पहले हमें इनिशियल प्रोडक्ट पता होना चाहिए, वो है हमारे पास ये हमारी है कैटाकोल रिंग, कैटाकोल रिंग के साथ है OH है ना, OH। सेकेंड पोजिशन पे है हमारे पास सी डबल बॉन्ड O देन CH3। क्या है, बस यहाँ पे COOH और NH2 ग्रुप लगाना है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसमें डालेंगे HCN, ठीक है, ये कैटाकोल रिंग हो गई। तो क्या करेंगे हम, HCN डालेंगे। HCN क्या करता है, इसको तोड़ेगा बॉन्ड को, तो ये वो इधर हो जाएगा, तो ये कार्बन जब ये बॉन्ड टूटता है इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज लेता है पॉजिटिव, तो CN- जो है वो इसको पकड़ लेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा सिंपल। तो इस कार्बन पे जुड़ेगा हमारा OH एंड CN। तो ये मान लेते हैं ये CN जुड़ गया, क्योंकि H यहाँ पे चला गया O के पास, एंड ये CH3। OH जुड़ गया है, CN जुड़ गया, इस OH की जगह NH2 लाना है, और CN की जगह हमें COO C2H5 बनाना है। बाकी कैटाकोल रिंग तो हमारे पास पहले से ही थी। अब क्या करें, अब सबसे पहले इसका अमोनिया ऐड करते हैं। तो अमोनिया डालेंगे जब हम, तो ये OH की जगह NH2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H और H OH वाटर लॉस हो जाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा बन गया NH2 CN CH3, दिस इज कैटाकोल रिंग। अब क्या करना है, बस इसको चेंज करना है, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है। क्या डालेंगे हम उसके लिए, इम्पोर्टेंट है, रिजोल्यूशन करना है एल आइसोमर का, तो उसमें डालेंगे कैम्फोर सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो सिंपल आ जाएगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से CN CH3, नीचे NH2, लिखने की ज़रूरत नहीं थी पर क्या करें। तो यहाँ पे जो हमारा रिजोल्यूशन किया हमने एलाइसोमर का, बाद में लिख देंगे। अब क्या करना है, इस CN को हमने करना है सो ये हमारे पास CN, अब इसको बस ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज के लिए हम डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे COH बन जाएगा, और दूसरे स्टेप में एस्टर डाल देंगे, तो यहीं पे कर देते हैं हम C2H5OH। दो स्टेप हैं तो आप दो स्टेप में लिख सकते हो, तो ये जो एस्टर है वाटर लॉस करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, एंड थर्ड स्टेप में HCl डालने के लिए मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। सो ये मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड कैसे बना, ये हमारा था इनिशियल प्रोडक्ट,
HCN डाला, यहाँ पे CNOH बन गया, अमोनिया डाला तो ये OH जो है वो हमारा NH2 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। देन रिजोल्यूशन किया एल आइसोमर का कैम्फोर सल्फोनिक एसिड से। इसने क्या किया, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स थे तो ये CN जो है वो इस तरफ रिप्लेस कर दिया, तो रिजोल्यूशन हो गया, मतलब जितने भी हमें जैसा चाहिए था सब एक ही में कन्वर्ट हो गए। एंड देन कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला ताकि ये साइनाइड ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाए। देन एस्टर डाला ताकि इथाइल एस्टर बन जाए, तो योगा मिथाइल डोपेट बन गया। मिथाइल डोपेट के बाद HCl डालेंगे तो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, जो कि इसकी सिंथेसिस। ओके, थैंक यू।